सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 29 दिसंबर 2021 की मुरली का मंथन प्रस्तुत करने से पहले कुछ पंक्तियां आप सबके लिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्यारे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तेरे पतवार के सहारे मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से ये गुलाब गुलफाम हो गया है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं था काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुण गान के सिगाऊं, श्रीमत से तेरी बाबा ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। उस परम पिता परमात्मा की अथाह अनुकंपा से, स्नेह से, करुणा से कहो, सारे कार्य जिंदगी के चल रहे हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम आधा कल्प के लिए सुख धाम में होलीडे मनाएंगे। होलीडे अर्थात छुट्टी। जिस स्कूल में सारा साल बच्चा पढ़ता है,
फिर 2 ढाई महीने की जब छुट्टी होती है तो कुछ काम नहीं करना होता, वो होली डे कहलाता है। बाबा कहते हैं सुखधाम में तुम्हारा होली डे है, वह सबका जीवन होली होगा, पवित्र होगा। क्यों? क्योंकि वहां दुख का नाम निशान नहीं है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अगर अपना जीवन सफल करना है तो अपना तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में लगाओ, फॉलो फादर बनो, फिर देखना इसकी एवज में तुमको क्या मिलता है। आत्मा गोल्डन बन जाएगी, तन भी बहुत सुंदर मिलेगा, धन तो अथाह मिल जाएगा, क्योंकि सतयुग में होती ही है पीस प्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। फिर परमपिता परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं कल्याणकारी हूं, ऐसे तुम बच्चों को भी विश्व कल्याणकारी बनना है। लेकिन हम विश्व कल्याणकारी कैसे बन सकते हैं? विश्व कल्याणकारी बनने के लिए बाबा कहते हैं मुख्य 2 धारणाएं आवश्यक हैं। इसको जीवन में इस गुण विशेष को धारण करना है। एक है ईश्वरीय रुहाब और दूसरा है रहम। अगर रुहाब और रहम दोनों साथ साथ और समान हैं, तो रूहानियत की स्टेज बन जाती है। तो जब भी कोई कर्तव्य करते हो, वह मुख से कोई शब्द वर्णन करते हो, तो बाबा कहते हैं चेक करो कि उसमें रहम की भावना है, रुहाब है, और फिर ये दोनों समान हैं, दोनों समान रूप से हैं क्या? फिर बाबा ने कहा शक्तियों के चित्रों में अर्थात देवियों के चित्रों में इन दोनों गुणों की समानता दिखाते हैं ना, इसी के आधार पर विश्व नव निर्माण के निमित्त बन सकते हो। इन 2 गुणों को जीवन में जरूर धारण करना है। बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे समझते हो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो रहा है। गाया भी हुआ है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दयाल। जिससे बहुत काल से अलग रहते हैं उनसे ही सन्मुख मिलते हैं, वो परमपिता परमात्मा इस सृष्टि रूपी रंग मंच पर अपना पार्ट भी बजाने के लिए आते हैं। भक्ति मार्ग में जिसको इतना ढूंढा, इतना पुकारा, आखिर वो दिन आता है जबकि बाप से मिलन होता है। वो मधुर मिलन का समय, वो महान मंगल मिलन का समय, पवित्र मिलन का समय अभी चल रहा है। इस दुनिया के अंदर कोई नहीं जानते कि चक्र कैसे फिरता है, इस सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जो देवी देवता थे, इतने महान थे, फिर वो कहां गए? वो तो पवित्र थे ना, फिर वो पतित कैसे बने? तो जैसे सीढ़ी उतरना होता है ना, ऐसे ही कलाएं कम होती जाती है। जैसे चंद्रमा की चांदनी कितनी खूबसूरत होती है, पर चंद्रमा को जब ग्रहण लगता है
तो कहा जाता है ना कि दे दान तो छूटे ग्रहण, ऐसे कहते हैं ना। ठीक वैसे ही बाबा कहते हैं, अभी आत्मा को ग्रहण लगा हुआ है। कौन सा ग्रहण है? ये पांच विकारों का। इसलिए इन विकारों को छोड़ो। जब इन विकारों को छोड़ोगे तो समझो कि तुम रावण की जेल से छूट जाएंगे और राम राज्य स्थापन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ये पांच विकार होते ही नहीं हैं। दुनिया वाले समझते हैं कि परमात्मा ही पूज्य है और परमात्मा ही पुजारी बनते हैं, इसलिए कहते हैं आपे पूज आपे पुजारी, ये सारी उनकी लीला है, ऐसा समझते हैं। सभी परमात्मा ही परमात्मा है। बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम बच्चों को तो खुशी होती है कि जिस बाप को, जिस परम पिता परमात्मा को, जिस माता पिता बंधु सखा को आधा कल्प याद किया, वे अब मिला है। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अभी आत्माओं का परमात्मा से, परमात्मा का हम आत्माओं से मंगल मिलन होता है। आत्मा परमात्मा के मिलन का मेला लगता है। इसी की याद में संगम पर कुंभ का कितना बड़ा मेला लगता है। परंतु अभी ये सच्चा सच्चा मेला है, ये तुम्हारा मेला लगा हुआ है, आत्मा और परमात्मा के मंगल मिलन का मेला, सबसे बड़ा मिलन का मेला। सचमुच में यह है ईश्वरीय दरबार। इसमें कोई पतित को बैठना नहीं चाहिए, नहीं तो वो एकदम रसातल में चला जाएगा। पतित बनने से वो अपने आप को, प्रभु कृपा को गंवा बैठता है। इसलिए पतित को आने का हुक्म ही नहीं है। ऐसे हैं कोई कोई जो आ जाते हैं और समझते हैं इन्हों को क्या पता कि हम विकार में गए हैं या नहीं। बाबा कहते ये बड़ी गंदी चीज है। तुम बच्चों को दैवी गुण धारण करके लक्ष्मी और नारायण जैसा बनना है। इस संसार से बेहद का वैराग्य रखना है। जब कोई मरता है तो उस समय सिर्फ थोड़ा समय वैराग्य आता है, लेकिन उस वैराग्य को क्या कहा जाएगा? उसको शमशानी वैराग्य कहा जाता है, क्योंकि उस शमशान के अंदर सबकी शान का शमन हो जाता है। तो कुछ क्षण के लिए व्यक्ति जब देखता है तो रियलाइज करता है कि मेरा अंत तो यही है, मैं क्यों व्यर्थ अहंकार करता हूं। लेकिन जैसे ही शमशान से बाहर निकलते हैं और मार्केट में गए तो बाबा कहते खलास। तो बाबा कहते तुम बच्चों को इस समय है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य, बेहद का वैराग्य। अब बाबा समझाते हैं, अगर देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो, और मुख्य बात है ही पवित्रता की। या मनुष्यों को खान पान ही देखो कितना आसुरी हो गया है इस संसार के अंदर। जन्म जन्मांतर की पापात्माएं हैं ना, पुण्य आत्मा तो एक भी नहीं है। हाँ, अभी तुम सहज राजयोग के अभ्यास से और परमात्मा ज्ञान के द्वारा
दैवी गुणों को धारण करके तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती हैं, वहां है ही श्रेष्ठाचारी, धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ, ऐसी श्रेष्ठाचारी पावन दुनिया है, और यहां है भ्रष्टाचारी, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट, पतित और विकारी दुनिया। लेकिन सतयुग में तो ये विकार होते ही नहीं है। आज का स्लोगन है, बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा के प्यार के पीछे व्यर्थ संकल्प न्योछावर कर दो, यही सच्ची कुर्बानी है, अल्लाह को प्यारी कुर्बानी। तो परमात्मा पर कुर्बान जाना अर्थात जितना भी व्यर्थ है उस सब को स्वाहा कर देना, उसकी आहुति दे देना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओ शांति शांति शांति।